Yajna karma samudbhavaha karma brahmodbhavam vidhi brahmakshara samudbhavam tasma sarvagatam brahma nityam yagye pratishthitam evam pravartitam chakram nanuvarti yatihayaha aghayo indriya ramo mogham partha sajivati yastvat marati divasyat atmatraptascha manavaha atmanneva cha santushtah tasya karyam na vidyate naiva tasya krati nartho na krati neha kashchana na chasya sarvabhuteshu kashchidartha vyapashrayah kashchidartha vyapashrayah. Karma brahmodbhavam brahma vidah sa udbhavah karanam yasya tat karma brahmodbhavam vidhihi janihi. Brahma punah virakhyam akshara samudbhavam aksharam brahma paramatma samudbhavo yasya tad akshara samudbhavam brahma veda ityarthah. Yasmat sakshat paramatma khyat aksharat purushah nishmasavat samudbhutam brahma tasma sarvartha sarva artha prakashakatvat sarvagatam apisat nityam sada yajna vidhihi pradhanatvat yajna pratishthitam evam ishvarena veda yajna purvakam jagat chakra vartitam na anuvarteti ihi loki yah karmani adhikrata san aghayuh agham papam आयु जीवनम यस्य सह अघायु पाप जीवनम इति इंद्रियारामा इंद्रियहि आराम आरमणम आक्रीडा विषयेषु यस्य सह इंद्रियारामः मोघम पार्थ सह हे पार्थ सजीवति तस्माद् अज्ञेन अधिकृतेन कर्तव्यम एव कर्मण इति प्रकरणार्थः प्रागात्मज्ञान निष्ठा योग्यता प्राप्तहि तदर्थेन कर्म योगानुष्ठानम अधिकृतेन आत्मज्ञानेन अनात्मज्ञानेन कर्तव्यम एव इति एतद् न कर्मणाम् अनारम्भात् इत्यत आरभ्य शरीरयात्रापि च तेन प्रसिद्धिद कर्मण इति एवम् अन्तेन प्रतिपाद्य यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र इत्यादिना मोघम पार्थ स जीवति इति एवम् अन्तेन अपि ग्रंथेन प्रासंगिकम् अधिकृतस्य अनात्मविधः कर्मानुष्ठाने बहुकारणम् उक्तम् तदकरणे च दोषः संकीर्तनम् कृतम्. सो व्यष्टि और समष्टि दोनों जगह ही यज्ञ से ही सृष्टि चल रही है. इसलिए भगवान ने एक शब्द दिया परस्परम भावयंतः. परस्पर सहयोग की भावना तभी हो सकती है जब दो लोग होवे. कहावत ये कही जाती है कि ताली दोनों हाथ से बजती है. तो इसी को एक शब्द बोला गया आदान और प्रदान. तो कोई लेने वाला भी होना चाहिए तो कोई देने वाला भी होना चाहिए. इसलिए शब्द आया परस्परम.
बोले ये कौन है दोनों लोग परस्पर? बोले एक देव है और एक प्रजा है। जो देव है उसको एक अर्थ में कहा गया समष्टि मान ले, और जो प्रजा है वो क्या हो गई? व्यष्टि। तो एक यज्ञ व्यष्टि व्यष्टि में ही चल रहा है और एक यज्ञ समष्टि में चल रहा है। जब प्रजा देव को देती है तो देव प्रजा को देते हैं, हो गया ना। इष्टान भोगान ही देवाः दास्यन्ते। देता कौन है? बोले पहले प्रजा ने दिया, फिर किसने दिया? देवाः। लेकिन देने की इस विधि को क्या कहा गया? यज्ञ भाविताः। तो एक मनुष्य मनुष्य से भी यज्ञ है। मैं जिसको जो चीज देता हूं समान भी मुझे वही चीज क्या करता है? वापस देता है। तो इस बात पे विशेष चर्चा हुई कि ये गांठ बांधनी चाहिए कि मुझे वही मिल रहा है जो मैंने कभी कहीं ना कहीं किसी न किसी को दिया है। बिना दिए हुए मुझे मिल नहीं सकता। तो मिलने में सुधार न करके देने में सुधार किया जाए। मांगने की बजाय कि मुझे ऐसा चाहिए, उसके बजाय ये किया जा सकता है कि मैं ऐसा किसी को क्या करूं? दूं। इसलिए उदाहरण मैंने आपको दिया कि धन को बढ़ाने के लिए भी पहले जो देखना पड़ता है वो धन को देना पड़ता है। मतलब धन को इन्वेस्टमेंट ना करें तो व्यक्ति धनी भी नहीं बनता। तो समाज का जो इतना छोटा नियम है कि धनी बनने के लिए धन देना पड़ता है, जो व्यक्ति यश चाहता है उसको अपना कुछ न कुछ त्याग करना ही पड़ता है, बिना त्याग के यश हो नहीं सकता। अब जो जितना अपना त्याग कर सकता है और जैसा त्याग कर सकता है, सबका त्याग अलग अलग है। तो जो सीखने वाली बात यह है कि मुझे जो चीज मिल रही है वो मैंने किसी न किसी को दी है, इसलिए सुधार ये किया जाए कि मैं आज से अच्छा दूंगा तो मुझे फिर कल अच्छा मिलेगा। देखो ये सुधार है यज्ञ का। अब इसी यज्ञ को जो व्यष्टि के संदर्भ से देखा, भगवान इसको समष्टि के संदर्भ से भी कहते हैं। समष्टि का संदर्भ क्या है? अन्नान भवन्ति भूतानि। अभी पूरा जो यज्ञ है ये व्यष्टि का, इसमें बहुत ज्यादा कोई रोल नहीं है, देखना। अन्नान भवन्ति भूतानि, भूतानि भवन्ति, भूत होते हैं। बोले किससे? बोले अन्न से। ये चक्र याद कर लीजिएगा, ये एक दूसरे के कारण हैं। जो जीव का कारण है वो अन्न है पहला, ठीक है ना। अन्नान भवन्ति भूतानि। बोले अन्न का कारण पर्जन्याद अन्न संभव। अन्न का कारण पर्जन्य है। पर्जन्य मतलब वृष्टि, वर्षा। तो आप तीन हो गए कारण, जीव, जीव का कारण अन्न, अन्न का कारण वर्षा। अच्छा, यज्ञात भवति पर्जन्य। जो पर्जन्य है उसका कारण क्या है? बोले यज्ञ, है ना। तो वर्षा का कारण यज्ञ। बोले यज्ञ का कारण कौन? यज्ञ कर्म समुद्भव। यज्ञ किससे आया? बोले यज्ञ कर्म से आया। अब क्या बनेगा? पूरा दोहरावा शुरुआत से। जीव, जीव का कारण अन्न, अन्न का कारण वर्षा, वर्षा का कारण यज्ञ, और यज्ञ का कारण कर्म। बोले कर्म का कारण? बोले कर्म का कारण ब्रह्म। कर्म ब्रह्म उद्भवम। भव मतलब निकलना,
कर्म कहाँ से निकला? बोले ब्रह्म से निकला। और बोले एक अच्छी और बात जान लो, विधि। क्या जानो? बोले ब्रह्म भी कहीं से निकला। वो कहाँ से निकला? बोले अक्षर समुद्भवम। ब्रह्म कहाँ से निकला? अक्षर से। बोले बस इतना ही है। इसलिए तस्मा, ये कंक्लूजन है, ये क्या बोलते हैं, निर्णय वाक्य है। तस्मात सर्वगतम ब्रह्म, इसलिए सब दूर कौन गया है? ब्रह्म गया है। नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम, हर यज्ञ में वो प्रतिष्ठित है। यहां पे ये बात खत्म हो गई। अब इसको सिर्फ श्लोक के आधार पर मत जीना, इसको जिया कैसे जा सकता है, समझा कैसे जाए? तो मैंने कल आपसे बोला अन्नात भवन्ति भूतानि, ये तो सरल है कि अन्न का परिणाम है जीव, तो अन्न के खाने से पुरुष में वीर्य और स्त्री में रज के निर्माण के फलस्वरूप किसका जन्म हो गया? जीव का। ये तो भाष्यकार लिखते हैं ये तो प्रत्यक्षः भवन्ति, ये तो सब कुछ पता है। दूसरा, पर्जन्याद अन्न संभवः, पर्जन्याद अन्न संभवः, जो अन्न संभव हुआ वो किससे संभव हुआ? वर्षा से। अब पहले वाले से थोड़ा कठिन ये है, लेकिन फिर भी ये व्यक्ति को समझ में आता है कि जो फसल है, अन्न मतलब, अभी यहाँ पे अन्न मतलब खाने की बात कर रहा हूँ, ये खेती तो तभी हो सकती है, अन्न खाने से जो वीर बनता है वो तभी है जब पहले क्या हो गई? वर्षा हो। ये भी सरल है बोले, लेकिन ये यज्ञात भवति पर्जन्य। अब कोई प्रश्न कर सकता है जहाँ यज्ञ नहीं होता है वहाँ क्या बारिश नहीं होती? फिर बारिश नहीं होती है तो इसका मतलब वहां पर अन्न भी नहीं होना चाहिए, तो वहां पर कोई उत्पत्ति भी नहीं होनी चाहिए, दोनों चीजें। तो ये अर्थ समझने वाला है, ये क्या कहा जा रहा है, यज्ञात भवति पर्जन्यः यज्ञ कर्म समुद्भव, और यज्ञ से क्या बना? कर्म। अच्छा, एक पहला भाष्यकार ने जो अर्थ दिया पहले वो देखें, जो एक साधारणतः सबको पता है, वो ये बताया गया अग्नो, मिल गया आपको, ये मनुस्मृति का है, तो वह मनुस्मृति मतलब मनु महाराज की है ना, तो जब विज्ञान ने नहीं कहा था, ये खोज तो अब हो रही है, तब पहले ही ये बात कह दी गई, क्या चीज, कि आदित्यम उपतिष्ठते, वर्षा का संबंध जल से नहीं कहा गया, ध्यान से देखना, वर्षा का संबंध सूर्य से है, ये बात विज्ञान अब जाके कहीं खोल रहा है, लेकिन मनुस्मृति में ये बात पहले से ही है। तो श्लोक भी आपके सामने रख दिया गया, अग्नो प्रस्ताह आहुति ही सम्यक आदित्यम उपतिष्ठते, यह श्लोक है, मनुस्मृति ग्रंथ है, स्मृति कोटि में। तो आदित्यम, आदित्य मतलब सूर्य, बोले यह जो वर्षा है ये आहुति देने से सूर्य में प्रतिष्ठित हो गई। बोले लेकिन यही सच नहीं है, अग्नो प्रस्ता आहुति ही, आप देखो अग्नि में देने से जो आहुति है वह आहुति कहां हो गई? सूर्य में, और उस सूर्य से क्या हुई? बारिश हुई। इसका मतलब वर्षा के क्षेत्र में सूर्य का विशेष महत्व है। अब आज विज्ञान भी इस बात को कहता है कि वर्षा के लिए ताप का होना जरूरी है, और इसको हम लोग साधारणतः पहाड़ में देखते हैं,
जब पहाड़ में ज्यादा गर्मी होने लगे तो आप समझ लेना कि कुछ दिन में क्या होने वाली है, बारिश। मतलब गर्मी हुई नहीं कि उसका रिजल्ट क्या है, बारिश। और ये बात आज हम लोग कह रहे हैं सीक्वेंस देख के, बट ये बात मनु महाराज ने जब सृष्टि हुई थी, ध्यान रखना, क्योंकि जो सबसे पहले हुए वो कौन हुए, मनु, तभी उन्होंने ये बात लिख के रखी कि वर्षा का संबंध सूर्य से है। पहली बात तो ये। अच्छा, अब इसमें ध्यान रखना, ये कौन सी वर्षा की बात कही गई, अग्नि आहुति ही, अग्नि में क्या दी गई, आहुति। अब हो सकता है कोई व्यक्ति इस तथ्य को ना माने, संभव है, कोई कहे हम इस अर्थ को नहीं मान सकते, तो ये तो अब आप कह दो उसकी श्रद्धा की कमी है, उसमें क्या विश्वास, वो जाने। बट गुरुदेव ने इसका जो एक अर्थ और क्या, तीन अर्थ हैं। एक अर्थ तो भाष्यकार ने आपको बताया, दूसरा अर्थ देखना आप क्या है। जो शब्द है पहला, यज्ञात भवति परजन्य, जो वर्षा होती है वो यज्ञ से होती है। पहला प्रश्न आता है, यज्ञ मतलब क्या? अब आप थोड़ा समष्टि छोड़ दो, थोड़ी देर के लिए आएंगे उसी पे, पहले इसको अपने लेवल पे समझ लो आप। यज्ञ मतलब क्या? तो अपने निजी स्वार्थों का त्याग, ये आपने देखा अभी तक, इस पे विशेष चर्चा हो गई। मतलब कोई बड़ा काम तभी हो सकता है, ध्यान से समझना अब, कोई बड़ा काम तभी हो सकता है जब व्यक्ति अपने निजी स्वार्थ का क्या करे, त्याग। घर में यही कमी है, कार्य न होने का एक बहुत बड़ा कारण है कि व्यक्ति का अपना जो स्वार्थ है वो व्यक्ति नहीं छोड़ता। पहला एक यज्ञ के लिए चाहिए, और यज्ञ मतलब बड़े कार्य के लिए भी, कि आप अपने निजी संकल्पों को क्या करो, त्यागो। मतलब आपकी कोई पर्सनल चीज नहीं रहनी चाहिए, देखो जी। और आज मॉडर्न भाषा में कहें तो हर व्यक्ति अपनी हर चीज क्या चाहता है, बोलो जी, पर्सनल। टॉयलेट भी कैसा चाहता है, पर्सनल। देखो जी, कमरा भी कैसा चाहेगा, पर्सनल। और अध्यात्म इसका विरोधी है, वो क्या चाहता है, व्यक्तिगत कोई चीज आपकी ना हो, भले आप यूज करो लेकिन दिमाग में यह वृत्ति ना आने पाए कि ये आपकी व्यक्तिगत चीज है। और ध्यान रखना, जिस जिस चीज पे हमने व्यक्तिगत होने का दावा किया, समस्या उसी से, ये भी लगा के देखना, समस्या वहीं से है, समस्या उसी से है जहां मैंने ये आरोप किया कि ये मेरी व्यक्तिगत चीज है। लगा के देखो जरा घर में आप। तो पहला, तो गुरुदेव का पहला यज्ञ में का पहला बिंदु था, पर्सनल चीजें छोड़ी जाएं। बहुत अच्छा दृष्टांत भी दिया, वो आपको रखता हूं। दूसरा, यज्ञ सिर्फ छोड़ने से नहीं होता, कुछ करने से भी होता है। बोले इसका मतलब, जो तुम कर सकते हो वो करो। देखो दोनों तरफ किया है, एक तरफ छोड़ो तो अपनी पर्सनल चीजों को क्या करो, छोड़ दो, लेकिन जो तुम्हारे पास है उसकी आहुति डालना भी जरूरी है। मैं कुछ करूंगा नहीं, मतलब मैं, मेरा कोई निजी स्वार्थ नहीं है, लेकिन मैं कुछ कंट्रीब्यूट भी नहीं करूंगा तो भी यज्ञ नहीं हो सकता। देखना, इसी के दो पहलू हो गए। मेरे पास जो चीज है मैं उसको दूं,
हर व्यक्ति से धन नहीं मांगा गया, हर व्यक्ति से शरीर की सेवा नहीं मांगी गई कि आप मेहनत करो, हर व्यक्ति से विचार नहीं मांगा गया। इसीलिए आप बोलते हो कायेन वाचा मनसा इंद्रिय, ये पढ़ते हैं ना, ये इतनी सारी चीजें मांगी जाती हैं। कोई शरीर से यज्ञ कर सकता है, कोई मन से कर सकता है, कोई इंद्रियों से कर सकता है, कोई बुद्धि से कर सकता है, और यही नहीं प्रकृति व स्वभावात, यही बोलते हैं ना, जो मेरे स्वभाव में है। करोमि यद यद, लेकिन किसके लिए, वो शब्द देखना, ये महत्वपूर्ण है। करोमि, मेरे ख्याल है ये मंत्र तो सब लोगों को रटा होगा, पूजा के बाद ये बोलते हैं सभी लोग। कायेन वाचा मनसेन्द्रियै वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात्, ये ऑप्शंस हैं। कायेन मनसा वाचा बुद्ध्या इंद्रियै प्रकृते वा स्वभावात्, जो भी कुछ है। ये महत्वपूर्ण नहीं है, आगे तीसरी लाइन बड़ी महत्वपूर्ण है। करोमि, बहुत सुंदर है संस्कृत। कोई कहता नहीं मैं मन से आपके साथ में हूं, वो नहीं कहा गया। कई बार लोग बोलते हैं आप आगे बढ़िए, हाँ मैं आपके मन के साथ हूं, ये बहुत बड़ा नाटकबाज आदमी है, ये कुछ नहीं कर सकता। तो वहां पे क्या लिखा है, करोमि, मैं करता हूं, मैं करूंगा, किसके लिए, बोले सकलम परस्मयी, ये शब्द है, मैं करूंगा किसके लिए, आपके लिए। बोले पैसा तो है नहीं, बोले तो वो नहीं है तो शरीर है, शरीर नहीं है मन है, मन नहीं है बुद्धि है, बुद्धि नहीं है इंद्रियां हैं, इंद्रियों में कुछ नहीं है, जो मेरा स्वभाव है। अब आपको क्या छूट रहेगी, ये यज्ञ। फिर से ध्यान देना, स्वार्थों का त्याग एक अलग चीज है, वो एक निगेटिव चीज हो गई, बट पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है। सभी व्यक्ति कहेगा मैं कुछ कर नहीं सकता, फिर करेगा कौन, फिर करेगा कौन। इसलिए दूसरी चीज टाली गई, जो तुम्हारे पास में है उन चीजों की आहुति देना, ये दूसरा काम है। और तीसरा, इसी को बोला गया टीम वर्क। वो आपके गांव में, देश में, प्रदेश में कोई एक ऐसा काम होता है, 7 दिन की भागवत होती है, तो व्यक्ति अपने निजी स्वार्थों को भी क्या करता है। तो आपको पता है जो एक्चुअल भागवत का नियम है, भागवत का नियम यह है कि आपका दुश्मन भी कोई होवे उसको भी निमंत्रण देना पड़ता है, जाकर, कुरियर से नहीं, ये भागवत में लिखा है। ये जब आप पढ़ो तो उसके पहले उसमें ये सब आता है, ये नियम कि आप अपने इष्ट मित्र रिश्तेदार और उसमें रिश्तेदार में जो आपके विरोधी हो गए, आप उनके घर पर जाओ, देखो जी, और उनसे निवेदन करो कि मैं ऐसा यज्ञ, देखो इसलिए भागवत को क्या बोला गया, यज्ञ, मैं यज्ञ करने जा रहा हूं, तो आप आइए। वहां दूसरी बात भी बोल दी, वो व्यक्ति कहेगा फुर्सत नहीं है मुझे, दूसरा विकल्प वहां दिया गया है। व्यक्ति यही कहेगा आपको, मेरे पास आपके यज्ञ में आने की फुर्सत, तो उसमें ही कहा गया फिर तुम ये निवेदन करो कि 7 दिन ना आकर कम से कम 1 दिन आइए, ये निवेदन तुमको करना है। कौन, जो भागवत कर रहा है। अभी कहने को तो वाक्य है, बट करने में व्यक्ति की असली भागवत हो जाती है। आप करके देखो, अरे भागवत छोड़ो, अच्छा यज्ञ की बात कह रहा हूं ना मैं। आपके यहां शादी ब्याह होता है तब क्या करते हो आप,
आपको पता है कि ये देवरानी, ये जेठानी, ये नंद और ये भाभी, जो भी फलाना ढिमका रिश्तेदार, आपको पता है ये हमारे लिए कोई अच्छी बात, लेकिन इसके बाद भी आप क्या करते हो? देखो ये यज्ञ है ना, ये ना हुए तो शादी नहीं हो सकती। करने को तो आप कहीं भी कर लो, ले जाके अकेले में ना बुलाओ, लेकिन आप करते नहीं, ध्यान रखना। अगर बड़े बुजुर्ग हैं परिवार में तो कहेंगे नहीं, भले आपके लिए चार गलत बात करता होवे, आप उसको क्या करो, जाके निमंत्रण दो। और ऐसे व्यक्ति को निमंत्रण व्यक्ति खुद जीने जा। और मैंने ऐसा देखा, जहां तक मैं 2-4 साल रह सका घर में, जिसको ऐसा निमंत्रण दो वो आता भी जरूर है। वो भी लाज रखता है, क्योंकि उसको भी तो पता है कि देखो दुश्मनी थी तो देने कौन आया, ये तो जाने का काम किसका है, मेरे। वो जाता भी है। और यहीं से एक नई पहल की शुरुआत हो गई, यज्ञ सफल हो गया। अभी हुआ नहीं है यज्ञ, यज्ञ अब तो प्रारंभ ही हुआ है। देखो तो आप भागवत कथा तो छोड़ो, जो विवाह है ऐसे यज्ञ में व्यक्ति, विवाह भी एक यज्ञ है याद रखना। मेरे ख्याल ये आप सब कुछ ना कुछ लड़के लड़कियों का विवाह कर, आपके अकेले करने से कुछ होता नहीं है। बहुत सारे लोग मिलकर कोई कोई काम बांटते हैं, तो कोई कार्ड देखता, कोई खाना देखता, कोई बारात देखता, तो कोई कुछ देखता, कुछ 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 लोग समाज के आपको देते हैं, तब वो काम नहीं हुआ टीम वर्क। इस टीम वर्क में क्या क्या हुआ, आपने विवाह कार्य किया इसमें क्या क्या हुआ? पहला, निजी चीजों का आपने क्या किया, हमको नहीं अच्छे लगते लेकिन फिर भी इनको बुलाएंगे, पहला हुआ। दूसरा, मैं अपनी तरह से, वो व्यक्ति कितना भी निकृष्ट गिफ्ट लाए, कितना भी प्लास्टिक लाए, लेकिन ला के क्या करेगा आपको? जैसा मैंने क्या बोला, जैसी तुम्हारी श्रद्धा, जैसा तुम्हारा स्टेटस, जैसी तुम्हारा प्रेम, बट कुछ न कुछ कंट्रीब्यूट जरूर करना पड़ेगा, ये यज्ञ। तीसरा, कोई भी चीज अकेले नहीं हो सकती, इसलिए टीम वर्क, ये है यज्ञ पूरा बना। वाह, अच्छा एक मैच देखो आप, अब इसको पूरे ये तीनों चीजों को आप लेके चले आओ हॉकी के मैच में। सबका एक कॉमन लक्ष्य होना चाहिए, तभी जीत है। देखना, सबका एक कॉमन लक्ष्य होवे तभी 12 लोग 10 लोग जुट सकते हैं, क्योंकि ऐसे तो सभी के जीवन में सबके पर्सनल पर्सनल बहुत गोल हैं। और ये मैं मिशन में देखता हूं, आश्रम में सबके अपने अपने गोल हैं, लेकिन जब आश्रम उन्हें कोई एक गोल देता है, आप सभी का ये उद्देश्य है ये काम करना, तो व्यक्ति ने अपने पर्सनल चीजों को क्या किया, थोड़ा हो सकता है वो दो दुश्मन हुए, लेकिन उन्होंने अपने भी वैर को क्या करा, त्यागा। उन्होंने अपने वैर को भी क्या किया, त्यागा। किसके लिए? एक जो खिलाड़ी खेलते हैं उनके हो सकता है पर्सनल बहुत अच्छे रिश्ते ना हो, लेकिन उनका एक गेम है, एक गोल है, मुझे जीतना है। दूसरा, कंट्रीब्यूशन, तो एक फॉरवर्ड में रहेगा, एक बैकवर्ड में रहेगा, एक लेफ्ट में रहेगा, एक सेंट्रल में रहेगा, एक राइट में रहेगा, एक कॉर्नर पे रहेगा, एक आगे ही चलेगा। देखो जी, सब अपने अपने फन में क्या है, जो जहां पे बैठा है वो अपना स्पेशलिटी है उसकी। तो गोलकीपर की अलग है, फॉरवर्ड की अलग है, बैकवर्ड की अलग है, और वक्त आने पर उसको लगता है कि आगे वाला कमजोर है तो वो उसको लीड करके भी क्या करता है, लेके जाता है।
कभी इस दृष्टि से हॉकी को देखना तो आपको यज्ञ भावना दिखेगी स्पष्ट। 10 लोग किसी एक उद्देश्य को लेकर, पर्सनल चीजों को छोड़कर, कुछ कंट्रीब्यूट करके होल टीम करते हैं तब जीत मिलती है। ये पूरा कॉन्सेप्ट क्या हुआ यज्ञ का। बोले इससे मिला क्या, या आपने तो बोला यज्ञात भवति पर्जन्य। ये जो पर्जन्य है ये परिणाम किसका है, वृष्टि। वृष्टि परिणाम किसका है, बोलो जी, यज्ञ का। यज्ञ मतलब टीम वर्क। तो वृष्टि मतलब क्या हुआ, यज्ञ का परिणाम है टीम वर्क। ठीक है, इस दृष्टि से सोचना जरा आप। टीम वर्क का जो परिणाम आया वो ये आया कि एक फेवरेबल कंडीशन बनती है हर जगह, एक अच्छी दशा परिस्थिति का निर्माण होता है। कब, जब व्यक्ति क्या करता है, यज्ञ। और ध्यान से समझना ये थोड़ा गुरुदेव का, क्योंकि जो वहां आसपास उनके जुटे थे वो धार्मिक लोग कम थे, वो इंडस्ट्रियलिस्ट, वो बुद्धिमान लोग बहुत ज्यादा थे, तो उनको उस अर्थ से ज्यादा ये अर्थ बहुत अच्छा लगता था कि एक उद्योग के लिए, एक घर चलाने के लिए, एक इंडस्ट्री रन करने के लिए, एक देश चलाने के लिए एक बहुत बड़ी चीज चाहिए, वह है दशा, परिस्थिति। वो परिस्थिति का निर्माण कब होगा, बड़ा औद्योगिक प्रोग्रेस, विकास की परिस्थिति कब उत्पन्न होगी, अब आप ना, अभी तो सब अभी चलता है ना, इंदौर में भी चल रहा है ये समेट, ये उद्योग, ये जो उद्योग के विकास की एक परिस्थिति बन रही है या बनती है या बनेगी, ये कब बनती है, जब व्यक्ति अपने लेवल पर टीम वर्क करता है। 12 लोग इकट्ठा हुए, हो गए 12 लोग इकट्ठा हुए तो एक कंडीशन का निर्माण, वो दिखाई नहीं देता, ध्यान रखना, एक कंडीशन का निर्माण हुआ। अनसीन है ये बहुत, वृष्टि ऐसे दिखाई नहीं देती, वो तो बरसता है तब, तो बरसना तो परिणाम है, वो दशा दिखाई नहीं देती। मैं कहता हूं आप घर में अगर टीम वर्क करो तो एक घर में परिस्थिति का क्या होता है, तो आपको मन को क्या रहता है, अभी चलो आपका आज का उदाहरण, कहीं ना कहीं होएगा घर में, देखना आज मान लो दशहरा है, 10 दिन में दीपावली है, फिर 6-3 महीने में होली है। अब घर में रहने वाला व्यक्ति अगर यज्ञ भावना से काम करे तो दशहरे का एक व्यक्ति के मन में क्या बनता है, माहौल। सभी लोग व्यक्ति कैसे हैं, लेकिन उनमें से व्यक्ति टीम वर्क ना करे, खाना बनाने वाला खाना ना बनाए, सामान लाने वाला सामान ना लाए, अब कैसी परिस्थिति बनेगी दशहरे की, तो संजय को लड़ाई होगी कि नहीं होगी, हर घर में यही है ना, वो लड़ाई क्यों हुई, क्योंकि किसी व्यक्ति ने अपना टीम वर्क क्या किया, छोड़ दिया, तो वो जो कंडीशन थी वो क्या हो गई, गई। बहुत ध्यान से समझना ये, हर और त्योहार में लड़ाई जरूर होती है, क्योंकि वहां पे कोई एक विशेष कर्तव्य की मांग की जाती है, और वो कर्तव्य, घर में सफाई नहीं हुई, भोजन नहीं बना, पैसा नहीं आया, सामान खरीद के नहीं आया, अब दशहरे दीपावली व्यक्ति का खराब,
औद्योगिक परिस्थिति ये डेवलपमेंट की परिस्थिति एक बनती है जब 10, 12, 15 लोग मिलकर ये संकल्प लेते हैं कि मैं इंदौर को सुधार दूंगा, यहाँ पर बड़ी इंडस्ट्री लगा देंगे तो बड़े लोगों को रोजगार मिल जाएगा, तो यहाँ की इनकम भी क्या हो जाएगी, बढ़ेगी, तो फैसिलिटीज भी कैसी होंगी, बढ़ेंगी। देखो इतना सारा ये जो परिस्थिति का निर्माण हो रहा है ये कब है, जब व्यक्ति ने क्या किया, और उस परजन्य का फल क्या है। इस श्लोक में परजन्य का फल क्या है, अन्न। यहां पे भी परिस्थिति का फल है कि व्यक्ति के पास आनंद प्रोडक्ट की उत्पत्ति होती है, प्रोडक्शन के लिए एक माहौल चाहिए, उस माहौल में फिर वो प्रोडक्ट क्या होता है, उत्पन्न होता है, और उत्पन्न होने से क्या हुआ, तभी व्यक्ति क्या रहता है, प्रसन्न रहता है। बहुत ध्यान से इस कॉन्सेप्ट को पढ़ना, बहुत सटल है ये। व्यक्तियों के मिलने से एक परिस्थिति बनी और परिस्थिति से पैदा क्या होता है, अन्न। जब सामान पैदा, सामान बना, वो बना कब, जब उसके लिए एक परिस्थिति का, वो परिस्थिति कब बनी, जब लोगों ने क्या किया, एक एक घड़ी बनाने में, ये एक घड़ी बन के आई, लेकिन इसके लिए पहले क्या हुआ होगा, टीम वर्क, टीम वर्क से परिस्थिति बनी, फिर उसमें प्रोडक्शन हुआ और आपके सामने अब व्यक्ति प्रसन्न है। परजन्य, यज्ञ, पीछे जाना, पीछे पीछे, परजन्य का कारण यज्ञ और यज्ञ का कारण, बोलो जी आ रहे हैं, ये सब आगे पीछे देखना, सब सीक्वेंस में मिलेंगे आपको। भूत पैदा हुए अन्न से, यही है ना, अन्न पैदा हुआ वर्षा से, यही है ना, और वर्षा किससे पैदा हुई, यज्ञ से। तो ये वर्षा, ये क्या हो गई, ये क्या हो गई, परिस्थिति, ये परिस्थिति। टीम वर्क क्या हो गया, यज्ञ। अन्न क्या बन गया, प्रोडक्शन। किसी भी देश का विकास ऐसे हो सकता है जब व्यक्ति पहले टीम वर्क से काम करे, तो एक फेवरेबल कंडीशन का निर्माण होता है। और ये आम व्यक्ति की समझ में आना आसान, उसको लगता है ये कौन सी अनसीन बात की जा रही है, बट यही एक्चुअली इन गीता का अर्थ भी यहां लागू होता है। अन्न, अन्न मतलब व्यक्ति प्रसन्न, भोग। अब अन्न को आप भोग मान लो, व्यक्ति भोग तभी कर सकता है जब उसके लायक पहले क्या बने, परिस्थिति बने, और वो परिस्थिति तभी बन सकती है जब पहले क्या किया जाए, टीम वर्क किया जाए। देखो जी अब हो गया, यज्ञात भवति परजन्य। अजय तीसरा अर्थ भी आप सुन लो इसी का, सिर्फ किसका, यज्ञात भवति परजन्य। तीसरा, एक पहला यज्ञ में, पहला अर्थ मैंने क्या किया, जो सूर्य में अग्नि के जरिए से जो आहुति है उसके जरिए से। दूसरा अर्थ मैंने क्या किया, टीम वर्क के परिणाम स्वरूप एक फेवरेबल, एक कंडीशन का निर्माण हुआ, उस कंडीशन में प्रोडक्शन हुआ, वो अन्न हुआ। फेवरेबल कंडीशन क्या हुई, वो परजन्य हुई, और वो तब बनी जब व्यक्ति ने क्या किया, टीम वर्क किया, ये यज्ञ हुआ, ये दूसरा अर्थ हुआ। तीसरा, सूर्य मानो की यज्ञ कर रहा है। एक दिमाग में चित्र बनाओ कि सूर्य यज्ञ कर रहा है, तो सूर्य यज्ञ करेगा तो क्या करेगा, सूर्य यज्ञ करेगा तो क्या करेगा, सूर्य के पास जल थोड़ी ना,
जो है यज्ञ उसी से कर सकते हो, जल तो प्रॉपर्टी किसी और की है। सूर्य के पास सिर्फ ऊष्मा है, रश्मियां हैं, उष्णता है, ताप है। तो वो जो सूर्य है वो क्या कर रहा है, बोलता है मेरे पास तो ये ताप है, लो ये ताप को मैं भेज देता हूं। ध्यान रखना, यज्ञ वही तो मैंने इसीलिए बोला कंट्रीब्यूशन। जिसके पास जो चीज है व्यक्ति उस चीज को क्या करता है, देता है। सूर्य ने बोला मैं यज्ञ करता हूं, तो सूर्य ने अपना ताप दे दिया, रश्मियां दे दी, उष्णता दे दी। अच्छा जी, जब इधर सूर्य दे रहा था तो जलाशय के भी मन में आया कि मैं भी अपनी कुछ यज्ञ करूं, तो जलाशय ने क्या किया, अपनी बूंदों को उसने भी क्या करना किया, त्याग करना चालू किया। उधर कौन कर रहा है, सूर्य, इधर कौन कर रहा है, बोलो जी। अब वायु का भी मन में आया कि मैं भी अपना यज्ञ करूं, तो वायु उन सबको लेकर क्या करता है, जाता है किसके पास, सूर्य के पास। वहां से उन सबको क्या करता है, पृथ्वी को है, मैं क्या करूं, तो बोले ये जो जल है ये जा तो वहीं से रहा है और आएगा किस पे, तो मैं उसके लायक धरती को साफ कर देती हूं, तो गड्ढे बना देती हूं, तो पोखर बना देती हूं। किसने, आकाश ने बोला मेरे पास तो खाली जगह है, मैं साफ कर लेता हूं, बीच में कोई रुकावट ना आए। आप सोचो इनके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, वर्षा। सूर्य यज्ञ ना करे तो हो ही जलाशय, अब बारिश कर लो। सूर्य ने अपनी उष्मता दी तो फिर जलाशय ने क्या किया, अपनी शीतलता दी, तो वायु ने उन दोनों को क्या किया, ले जाने का कार्य किया, और वायु ने ही वर्षा को क्या किया, ला। तो आप देखेंगे बारिश होती तो कैसी इधर उधर होती रहती है, कहीं ना कहीं जाती है वो बारिश। वायु उसी वर्षा को लेकर क्या हुई, आई। वायु ने बोला तुमको एक काम है, मैं चलूं तो कहां चलूं, आकाश ने बोला मेरे ऊपर चलो, तो आकाश के ऊपर वायु चली। वायु ने सूर्य से लिया, जलाशय से लिया, तब जाके क्या हुई, देखो समष्टि अपना यज्ञ कर रही है कि नहीं कर रही है। एक व्यक्ति भी अपना पर्सनल कंट्रीब्यूशन बंद कर दे तो व्यक्तिगत जो देने की चीज है वो ना दे तो, हम इसलिए भगवान बोलते हैं एवं प्रवर्तितम चक्रम, अर्जुन इस प्रकार ये चक्र चल रहा है। तुमको क्या लग रहा है, अपने आप, इसके पीछे मैं हूं, इस सब जो हो रहा है ये किसके लिए हो रहा है, मेरे लिए। सकलम परस्मयी, मेरे लिए हो रहा है, और सभी लोग चक्र का पालन कर रहे हैं। अच्छी बात ये, सूर्य अपना पालन कर रहा है। आप देखो अगर सूर्य अभी ना निकले तो, पेड़ हरियाली ना दे तो, एवं प्रवर्तितम वर्तितम प्रकर्षेण वर्तितम प्रवर्तितम चक्रम, ये चक्र का पालन हो रहा है। लेकिन मनुष्य ऐसा है जो मेरे इस चक्र का पालन नहीं करता। देखो जी बात बहुत सही बोली भगवान, हर अंग जो है यहां यज्ञ कर रहा है सिवाय एक व्यक्ति को छोड़ के, वो कौन है, अब वो क्या नहीं कर रहा है, अपने निजी स्वार्थों का त्याग नहीं करता, सदैव समस्या में है। देने के नाम पर उसको लगता है कि मेरी कमी हो जाएगी, तो देने का उसका मन ही नहीं है। दूसरा, टीम वर्क करना नहीं चाहता, पर्सनल का ऐसा आरोप लगता है कई बार इंडियंस के ऊपर, स्पेशली मैं कह रहा हूं कि इंडियंस टीम वर्क में जीरो हैं, अकेले में पर्सनल इंडिविजुअल बहुत अच्छे हैं।
जब वो टीम में रहते हैं वही बात सच है। जब हम चार या तीन ये लोग रहते हैं तब एक साथ नहीं रह पाते, तो हमारी लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग स्टार्ट हो जाती, ये ऐसा है ये वैसा है फलू। लेकिन जब मैं अकेले रहता हूं तो मैं अच्छा रहता हूं। ये इंडियंस के ऊपर विशेष आरोप है, भारतीयों के ऊपर। वो लोग उल्टा है, वो लोग अकेले कमजोर हैं, लेकिन जब टीम मिलती है तो आपने देखा वो गजब का खेल खेलते हैं। इंजीनियर, चार इंजीनियर मिलेंगे तो कुछ नहीं बना पाएंगे, लेकिन एक अकेला मिलता है तो ये कोई बड़ी अच्छी बात नहीं है। निजी संकल्पों का त्याग हम नहीं कर सकते, टीम वर्क करना आता ही नहीं। टीम वर्क मतलब एक साथ। और टीम वर्क का सबसे अच्छा उदाहरण तो घर है, या माता। अब वहां हर, मुझे लगता है हर उम्र के लोग कभी देखता हूं, एक वृद्ध है तो एक थोड़ा उनसे मैच्योर्ड है, मतलब थोड़ा कम उनसे, तो माता पिता, तो उनसे भी कम उनके आ गए तो थोड़ा वो वयस्क हैं, फिर उनके भी जो बच्चे हैं वो और भी छोटे हैं, किडिश हैं। सभी उम्र के लोग क्या कर रहे हैं, अब टीम वर्क करके दिखाओ। अकेले कर लेंगे बोले, लेकिन सबके साथ में नहीं कर सकते, इसका मतलब आप यज्ञ नहीं कर सकते। नानुवर्तीयतीय, बोले फिर करता क्या है, बोले अघायु, देखो भगवान बहुत नाराज होते, समष्टि करती है मानव नहीं करता। अघायु इंद्रिया रामा, सिर्फ अपने आप में ही मजा लेना इसको आता है, किसी को देना नहीं आता, किसी को खिलाना नहीं आता, सिर्फ अपनी इंद्रियों में क्या है ये मस्त है। अघायु इंद्रिया मोगम पार्थ सजीवती, ये अपना व्यर्थ का जीवन क्या करता है, जीता है ना। तो इस यज्ञात भवति पर्जन्य, हाँ इस अर्थ का जरा विशेष बुद्ध। और आपको और पढ़ना हो तो गुरुदेव की जो हिंदी और इंग्लिश दोनों कमेंट्री वो पढ़िएगा, कि विकास के लिए एक मनोदशा, एक दशा, एक कंडीशन का निर्माण चाहिए, तभी विकास संभव है। और विकास होता किसके लिए, व्यक्ति के एंजॉय के लिए। विज्ञान के अनुसार ये जो अन्न है, जो भी कुछ हो रहा है प्रोडक्शन, वो व्यक्ति के भोग के लिए है। भोग के लिए दशा चाहिए, और दशा तब होगी जब व्यक्ति पहले क्या करे, टीम वर्क करे। ये भी एक यज्ञ का अर्थ है। कम देखें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णाः पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। आज 24 तारीख है।